तो दोस्तों फाइनली फरहान अख्तर की मूवी डॉन 3 को लेकर अपडेट आ ही गई। जिस फिल्म का हम लोग इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बीच में ऐसा बताया गया कि ये फिल्म पोस्टपोन हो रही है। मतलब फिल्म को लेकर बहुत सारी ऐसी गलत अफवाहें उड़ रही थी कि फिल्म अभी बनकर तैयार नहीं हो पाई है। फिल्म के एक्टर्स पर सवाल उठाए गए, यहाँ तक कि इसकी रिलीज डेट पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। जैसा कि हम सभी को पता है कि ये फिल्म जून 2025 को थिएटर में रिलीज होने वाली थी और अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे, मतलब इसकी रिलीज डेट को फाइनल किया गया था। इसी बीच ऐसा बताया जा रहा है कि फरहान अख्तर और रणवीर सिंह की अपकमिंग मूवी डॉन 3 पोस्टपोन होने वाली है, जो कि ये जानने के बाद लिटरली ऑडियंस बहुत ज्यादा निराश हो गए थे। तो मैं आप सब लोगों को अब ये बता देना चाहती हूँ कि डॉन 3 मूवी पोस्टपोन नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अपने तय समय पर ही रिलीज होगी। जून 2025 को ये फिल्म थिएटर में आने वाली है। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये फिल्म पोस्टपोन नहीं होगी। वहीं अगर फिल्म के बारे में बात करें तो ये फिल्म इस बार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि हम लोगों को पता है, डॉन मूवी की अब तक 2 फ्रेंचाइजी आ चुकी हैं, यानी कि डॉन डॉन 2, जिसमें हमें शाहरुख खान भी देखने को मिले थे, और हर कोई यही चाहता था कि डॉन 3 मूवी में शाहरुख खान ही नजर आए। शाहरुख खान ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। हालांकि मेकर्स ये चाहते थे कि अगर वो इस फिल्म में, मेकर्स क्या ऑडियंस भी यही चाहते थे कि अगर डॉन 3 मूवी में शाहरुख खान हीरो का किरदार नहीं निभा रहे हैं तो वो इस मूवी के विलेन तो बन ही सकते हैं, लेकिन शाहरुख खान ने विलेन का रोल करने से भी मना कर दिया है। तो देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह से बनकर आती है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये फिल्म डॉन डॉन 2 से काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है, यानी कि इस फिल्म में बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि भारी भरकम VFX के साथ ये बन रही है और बजट भी काफी अच्छा खासा है इस फिल्म का, और स्टोरी भी इसकी काफी जबरदस्त होने वाली है। और लिटरली ऐसा मेकर्स बता रहे हैं, यानी कि फरहान अख्तर एक इंटरव्यू के दौरान ये चीज भी बताए थे कि डॉन 3 मूवी में जिस तरह से फाइट दिखाई जाएगी, बॉलीवुड की आज तक किसी भी फिल्मों में हम लोग वो फाइट नहीं देखते हैं। फिलहाल तो उन्होंने ऐसा बोल दिया है, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद ही हमें पता चलती है कि इस मूवी की फाइट किस तरह से होने वाली है। वहीं अगर फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी गई है, क्योंकि फिल्म को रिलीज होने में ज्यादा वक्त भी तो नहीं बचे हैं। ये मूवी जून 2025 को रिलीज होने वाली है। तो जो भी अफवाहें आ रही थी बाहर निकल कर कि ये फिल्म पोस्टपोन हो सकती है, इसकी रिलीज डेट बदल सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फिल्म अपने तय समय पर ही रिलीज होने वाली है। और तो और इस फिल्म में जितने भी सॉन्ग आएंगे वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त होंगे, और ऐसा बताया जा रहा है इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग भी रहेगा। फिलहाल तो इस फिल्म को आप सब देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस फिल्म के मेन लीड एक्टर रणवीर सिंह है, और रणवीर सिंह अपनी डॉन 3 मूवी पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा वर्कआउट भी कर रहे हैं। यानी कि उनका ये कहना है कि डॉन 3 मूवी में वो एकदम परफेक्ट, यानी कि 100% अपना देना चाहते हैं, मतलब एक्टिंग वो इस मूवी में अच्छा खासा करना चाहते, कहीं पे भी वो कोई गलती नहीं करना चाहते, और इस वजह से रणवीर सिंह अपनी इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल तो डॉन 3 मूवी की रिलीज डेट पोस्टपोन नहीं हुई है, वो अपने तय समय पर ही रिलीज हो रही है। जितनी भी अफवाहें आई थी वो सब गलत थी फिल्म को लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों रणवीर सिंह और फरहान अख्तर की अपकमिंग मूवी डॉन 3 को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है, और इस फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है फटाफट कमेंट करके बताइए। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई बातचीत करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।